हेलो एवरीवन सो टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर वन द मैन फ्रॉम काबुल एंड टाइटल शोज अलॉट बहुत सारी चीज़ें टाइटल शो कर देता है जैसे कि टाइटल है द मैन फ्रॉम काबुल मींस द मैन हु केम फ्रॉम काबुल एक आदमी था जो काबुल से आया था जस्ट टू विजिट इंडिया घूमने के लिए इंडिया इंडिया को उसने विजिट किया जस्ट फॉर घूमने के लिए सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड A man from Kabul came to India. A man from Kabul who came to India, he knew just a few words of Hindi, but that didn't stop him from seeing the sights. बट ही वो ही डिड नॉट अफ्रेड दैट आई नो ओनली फ्यू वर्ड्स वो इस चीज़ से डरा नहीं ही केम टू इंडिया उस वो रुका नहीं वो इंडिया आया और उसने बहुत सारी साइट्स देखी अलग अलग जगह पर गया वन डे स्ट्रॉलिंग इन द मार्केट और इन द बाज़ार ही स्वीट शॉप वन डे वैन ही वॉज मूविंग और स्ट्रॉलिंग इन द मार्केट उसने एक क्या देखे स्वीट की शॉप देखी एंड नाउ द मैन फ्राम काबुल लव्ड स्वीट्स जो मैन आया था काबुल से उसे क्या पसंद थी उसे स्वीट्स पसंद थी एंड सिंस ही डिडेंट स्पीक द लैंग्वेज बट वो लैंग्वेज जो हिंदी लैंग्वेज थी उससे अवेयर नहीं था उसे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स पता थे ही पॉइंटेड टू अ पाइल ऑफ स्वीट्स एज यू कैन सी इन दिक्चर ये ढेर लगे हुए हैं इसकी तरफ पॉइंट आउट किया उसने तो जस्ट ही टू नो द प्राइस ऑफ दीज स्वीट वो तो मिठाई के सिर्फ क्या जानना चाहता था प्राइस जानना चाहता था देंडर हाउ एवर थोट ही वॉन्टेड टू नो द नेम ऑफ द स्वीट लेकिन जो वेंडर था जो सेलर था जो मिठाई मिठाई बेच रहा था

सो हीयर द मैन हु केम फ्रॉम काबुल ही न्यू दिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड खा जा उसे इस वर्ड का हिंदी मीनिंग पता था दैट इज़ ईट अपा जा तो उसने क्या किया जब ये वर्ड सुना तो उसने कहा ओके ऑल राइट आई विल ईट इट बी मैंगपली ही वो बहुत खुशी के साथ ही टुक अ हैंडफफुल ऑफ स्वीट्स उसने हैंडफफुल एक मुट्ठी भरी स्वीट्स की एंड एट दैम अप और खा गया एज ही टर्न टू लीव द वेंडर सैड सर यू हैव टू पे फोर दो स्वीट्स जैसे ही वो टर्न किया टर्न मीन्स जैसे ही वो मुड़ा जाने के लिए तो जो सेलर था उसने कहा सर यू हैव टू पे आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा यू हैव टू पे फोर दो स्वीट्स जो आपने खाई हैं द मैन डिडेंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ वॉट वॉज सैड

द फ्यूरियस वेंडर वेंट टू द पुलिस हु प्रॉम्पली अरेस्टेड द मैन और जो ये देख कर जो वेंडर था वो फ्यूरियस मतलब गुस्से में आ गया और वो कहाँ गया वो पुलिस के पास गया द चीफ ऑफ पुलिस गेव हिम अ स्टर्न लुक शेव हिज हेड पेंटिड ब्लैक पुट हिम ऑन एंड एज एंड प्रेड हिम थ्रू द टाउन एंड जो चीफ ऑफ द पुलिस थी जो मुखिया थे जो हेड थे उनके उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसके हेड को क्या किया जाए शेव मुंडवा दिया जाए पेंट इट ब्लैक और उसे क्या कर दिया जाए ब्लैक पेंट कर दिया जाए पुट हिम ऑन एन एस और उसे गधे पर बिठा दिया जाए और पूरे शहर में प्रेड करवाई जाए चक्कर लगवाए जाए ही ऑर्डर एंड हैव द ड्रमर्स अ कंपनी हिम और ड्रमर्स की कंपनी भी इन्हें दी जानी चाहिए सो लेट द पीपल सी हाउ अ थीफ इज़ पनिश्ड ही सेड तो चीफ ऑफ द पुलिस ने कहा लोगों को भी देखने दे कि कैसे एक थीफ को पनिश किया जाता है गिविंग द मैन अ हार्ड लुक और जो पुलिस मैन था जो चीफ था जो ऑर्डर दे रहा था वो बहुत हार्ड बहुत सख्त लुक दे रहा था जब वो ये बात कह रहा था द मैन फ्राम काबुल बीम्ड बैक बिकॉज ही हैडेंट अंडरस्टूड अ वर्ड द मैन हु केम फ्राम काबुल वो खुशी के साथ पीछे देखता है आगे देखता है बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड उसे तो एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा था तो द पुलिस मैन डिड एज ऑर्डर बट जो पुलिस मैन थे उन्होंने उस ऑर्डर का पालन किया जो उन्हें दिया गया था बट इन स्टीड ऑफ लुकिंग अशेम्ड एंड सॉरी एज ही रॉड थ्रू द टाउन द मैन फ्रॉम काबुल स्माइल्ड हैप्पीली वेविंग एट द पीपल हु लाइन द स्ट्रीट्स बट इन स्टीड ऑफ लुकिंग अशेम्ड शर्मिंदगी होने की बजाय क्या हुआ एंड सॉरी ना तो उसने सॉरी बोला ना उसे शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसे तो हिंदी लैंग्वेज के वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहे थे लैंग्वेज आती ही नहीं थी उसे तो एज ही रोड थ्रू द टाउन जैसे ही वो टाउन में उस टाउन में उसको ले जाया जा रहा था गलियों में से जैसे ही वो निकल रहे थे तो जो द मैन फ्रॉम काबुल स्माइल्ड तो वो स्माइल करने लगा हैप्पीली जैसे वो बहुत खुश था वेविंग एट द पीपल हु लाइन द स्ट्रीट्स और जो लोग स्ट्रीट्स में से निकल रहे थे गलियों में से गुजर रहे थे तो उनको वो स्माइल कर रहा था अपना हाथ उनको हिला रहा था तो आफ्टर अ फ्यू डेज द मैन वेंट टू काबुल तो वो जो आदमी आया था काबुल से इंडिया तो जब कुछ दिनों के बाद वो काबुल वापस गया हाउ डिड यू लाइक इंडिया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है एक ही देखिए तो दैट दे दे आर आस्किंग द क्वेश्चन टू द मैन वो जो लोग हैं जो काबुल के उसके नेबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिड यू हैव अ गुड टाइम क्या तुम्हें इंडिया कैसा लगा क्या तुम्हें जो वहां समय बिताया वो अच्छा अच्छा समय बिताया तुमने वहां पर तो द मैन रिप्लाइड हैड अ वंडरफुल टाइम द पीपल आर वेरी जेनरस लोग वहाँ के बहुत जेनरस हैं काइंड हैं दयालु हैं दे गिव यू सो मैनी थिंग्स फॉर फ्री वो तुम्हें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री में ही दे देते हैं इफ़ यू पॉइंट टू अ पाइल ऑफ स्वीट्स दे से ईटअप और अगर तुम स्वीट्स uh, के जो ढेर लगे होते हैं उसको पॉइंट आउट करते हो वहाँ पर पॉइंट करते हो फिंगर के साथ तो वो क्या कहते हैं ईटअप खा जाओ कैन यू बिलीव दैट तो ये सब बातें जो मैन इंडिया में आया था काबुल से अपने नेबर्स को अपने पड़ोसियों को वापिस जाकर बताता है दे आर पुलिस मैन आर सो काइंड और वो ये भी कहता है वहाँ के जो पुलिस मैन हैं वो भी बहुत काइंड हैं दयालु हैं दे गिव यू अ शेफ फॉर फ्री देन दे दे माउंट यू ऑन अ नाइस डोंकी एंड टेक यू फॉर अ राइड थ्रू द टाउन वो आपको फ्री में शेप देते हैं फिर वो आपको एक अच्छे से डोंकी पर बिठाते हैं और पूरे शहर में एक राइड देते हैं वो भी फ्री में दे इवन है ड्रमर्स फॉर मी यू शुड गो टू तो यहाँ पर ही कंपेल्ड ही एडवाइज यू कैन से टू हिज नेबर्स अपने नेबर्स को वो सजेशन देता है एडवाइज करता है कि यू शूड ऑल्सो गो टू इंडिया यू शूड ऑल्सो विजिट इंडिया तुम्हें भी इंडिया विजिट करना चाहिए सो so, स्टूडेंट Tell me Tina yeah, interesting story. I hope you all enjoyed this story. Yes, this is a new story. I also enjoyed it. I hope you also enjoyed it. Okay, students. Take care. Bye bye.